नमस्कार, मैं हूं अनूप और आप देख रहे हैं मोजो स्टोरी। बीते कुछ दिनों से दिल्ली में ठंड कुछ इस कदर पड़ रही है कि मानो हम शिमला या हिमाचल में रह रहे हों। शीतलहर के साथ साथ दिल्ली की सड़कों पर कोहरा भी काफ़ी मात्रा में देखने को मिल रहा है। ऐसे में मौसम विभाग ने बीते दिनों दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में रेड अलर्ट जारी कर दिया था। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों में कोहरे में तो कमी होगी, लेकिन ठंड और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि 12 तारीख के बाद ठंड के और बढ़ने के आसार सामने आ रहे हैं। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि 12 तारीख को दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश हो सकती है, जिसके बाद ठंड और ज़्यादा बढ़ सकती है। बीते कुछ दिनों दिल्ली की सड़कों पर विजिबिलिटी 25 से 30 मीटर की दर्ज की गई थी, लेकिन अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं लगभग 100 मीटर के करीब की विजिबिलिटी आज की है। ऐसे में 8 डिग्री का तापमान और 100 मीटर की विजिबिलिटी के साथ दिल्ली की सड़कों पर शीतलहरी के साथ ये ठंड दिल्ली की जनता को कितना परेशान कर रही है, ये उनसे बात करके ही समझेंगे। तो आइए बात करते हैं कुछ लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार ये दिल्ली की ठंड से किस तरह से बचाव कर रहे हैं। दिल्ली में जो बढ़ते ठंड को देखते हुए आप लोग क्या क्या सावधानी बरत रहे हैं, कैसे झेल रहे ठंड को? देखो, पिछले जो माने लास्ट जो 10 ईयर्स जो मैं देख रहा हूँ विजिबिलिटी, ठंड पड़ी है, इससे भी ज़्यादा ठंड पड़ी है। लेकिन है ना, जो ठंड के साथ साथ जो फॉग है, फॉग के साथ जो दिल्ली का पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन के चक्कर से जो है ना, पॉल्यूशन जो सेटल होता है वो डाउन नीचे की तरफ होता है। पॉल्यूशन वो फॉग तो है ही, पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन से माने विजिबिलिटी, ट्रैफिक में गाड़ी चलाते समय अर्ली मॉर्निंग कोई आप माने कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते, जा नहीं सकते, तो हमें अपना शेड्यूल चेंज करना पड़ता है जाने के लिए। सुबह मॉर्निंग की 10 बजे की मीटिंग है तो 11 12 बजे या 1 बजे रखते हैं फर्स्ट हाफ के अंदर नियर बाय। रेगुलर तो हम लोगों को अपना दिनचर्या तो पूरी करनी ही है, बट यह झेल रहे हैं, ठंडा है, सुबह शाम का प्रॉब्लम तो होता ही है हम लोगों को। शॉर्टेज है, टाइम का शॉर्टेज हो जाता है। अब यूजुअली हम लोग मतलब इतना कपड़ा लादना पड़ता है, मतलब ऑफकोर्स वी आर बाइक राइडर, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी होती है। जहाँ विजिबिलिटी होती है वहाँ पे गाड़ी थोड़ा हम स्लो करा के चलानी पड़ती है अपना, या टाइम से पहले शेड्यूल करके निकलते हैं कितने बजे जाना है तो आराम से चलेंगे। माने विजिबिलिटी का मतलब है कि अभी माने क्लियरिटी नहीं है, माने दिखाई नहीं दे रहा है कि अभी गाड़ी माने कितने डिस्टेंस पे आगे वाली गाड़ी चल रही है, एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। तो टाइम शेड्यूल को चेंज करते हैं अपने और गाड़ी की स्पीड को अपना कंट्रोल करके चलते हैं, सारी चीज़ देख के। रोड भी दिल्ली में तो जगह जगह रोड में गड्ढे भी अचानक ऐसे आ जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, सब कुछ को मैनेज करना पड़ता है। और ऐसे दिखना बंद हो जाता सामने का, गाड़ी लगने का खतरा रहता, कहीं गाड़ी ने लग जाओ, गाड़ी चलाते हम लोग। और ऑफकोर्स पॉल्यूशन है, गवर्नमेंट तो कर रही है, जैसे आज इन लोगों ने आई थिंक B4 जो वाहन है इनको रोक लगाया है सर्टेन टाइम तक, शायद 12 तारीख तक इन्होंने रोक लगाई है। दिल्ली सरकार भी एडवर्टाइजमेंट के जरिए लोगों को आगाह कर रही है कि आग ना जलाओ, हीटर यूज कर लो, ऐसे में कई लोग फिर भी आग जला रहे हैं। अब वो जलाएंगे ना, देखिए बेसिक स्तर पे तो लोगों के पास क्या है, आग जलाना ही रह गया ना, वही एक तरीका है बचने का। अब पहले गवर्नमेंट चौराहे पे और हर जगह अलाव जलाती थी सो पीपल कैन सेव, और अभी मेरे ख्याल से हर जगह वो नहीं है, शेल्टर दे रही है बट शेल्टर में भी तो डेफिनेटली ठंडा तो होता ही है ना। लेकिन लोग कहाँ मानते हैं, कौन इसको फॉलो करता है? नहीं, उनको आप देख लो कहीं भी जहाँ पे थोड़ा स्लम्स वगैरह इलाका है, जुबी वगैरह इलाका है, रूरल जो लोग रहते हैं उनका वही है, वो गांव से लोग टच करते हैं तो वो लोग क्या है, वो अलाव जलाते हैं, वो लकड़ी जला के बैठ जाएंगे, वो ये नहीं देखेंगे कि इससे पॉल्यूशन के रेट हो रहा है, उनको नहीं आएगी समझ में। उनको अपनी सहूलियत से मतलब है कि अभी हाँ ठीक है, हमें गर्मी मिल रही है, हीट मिल रही है, चीज़ें। जो लोग बाहर खुले में रहते हैं, जो स्टॉल लगाते हैं, जो लोग माने फुटपाथ पे सोते हैं, खुले में सोते हैं, तो उनको तो कहाँ बिजली किसको क्या प्रोवाइड होगी, बताइएगा। ठंड के बचने के लिए भाई कुछ भी उपाय नहीं है, बस कम्बल ओढ़े बैठे, और क्या उपाय है? आग यहाँ नहीं जला सकते, आग पे चलान है, आग पे चलान है, 10,000 जुर्माना कौन भुगतेगा? अगर आग जलाई तो जुर्माना का कल पुलिस वाले आ जाएंगे, चलान काट देंगे 10,000 रुपये का। भैया गाड़ी में हीटर का इस्तेमाल करते हैं उनको, उसके बाद कोहरा करता है तो पानी डालना पड़ता है शीशे के ऊपर, तो साफ होता है शीशा। अरे सब परेशानी है सर, कोहरे तो जाने आने में भी दिक्कत, ड्यूटी में भी दिक्कत, हर चीज़ में दिक्कत ही है सर। तो ऐसे में ठंड से बचने के लिए क्या कर रहे हो अभी? अब कंबल लग के हैं साथ, बस यही एक चारा, और कुछ नहीं। और क्या बताओ ना सर, कुछ नहीं है, ड्यूटी ड्यूटी है।
ड्यूटी नहीं करोगे तो खाओगे क्या सर? देखो जी बीमारी भी हो रही है जी ठंड से, हाँ खांसी नजले बुखार भी हो रही, बुखार भी चढ़ जावे और नमूने दर्द भी बन जाता, कई बीमारी बन जाती है ठंड में। ये गाड़ी लेके जा रहे हैं, कहीं गाड़ी जा रही है कहीं कहीं कोई पता ही नहीं लग रहा कहाँ गाड़ी जा रही है, कोहरा बहुत ज़्यादा लिमिटेड कोहरा है। तो सर ठंड से बचने के लिए क्या करते हो? ठंड से बचने क्या, गाड़ी साइड में खड़ी कर देते हैं, कम्बल ओढ़ के लेट जाते हैं, क्या करें। मेन कंसर्न ये है ट्रेन स्टॉप कंटिन्यू टू यू नो अफेक्ट द रेलवे फ्लाई हाईवे ड्राइविंग पीपल हैव टू टेक सेफ्टी दैट वी हैव गिवन ऑरेंज अलर्ट फॉर 24 आवर्स ओके दैट मीन्स ऑल दीज इंडो गंगेटिक प्लेन्स हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल फॉर द फॉग हाउएवर कोल्ड अलर्ट वी आर नॉट गिविंग एंड वी आर गिविंग हैवी रेन स्नो ओवर जम्मू कश्मीर फॉर 11 to 14 इज द डब्ल्यू डी ओके So 11 to 13. So Delhi may have a bundabandi on 12th. That is there. But temperature wise 11 to 13 will be okay. But after that, as any WD, moved away once, then you get a fresh snowfall. Moved away, so there will be fresh snowfall during 11 to 13. Pahadi ilaka. So that will trigger further cold spell. So from 14th, some cold spell may start. But what is the intensity? What is the duration? We have not estimated. We are keeping it track. तो सर ऐसे में जो है अभी लगातार ठंड जो बढ़ रही है तो कोहरा भी बढ़ेगा। कोहरा का चादर है, कितना बड़ा चादर देखिए, ये ऑलमोस्ट 700 स्क्वायर किलोमीटर है कवरिंग होल इंडो गंगेटिक प्लेन, ठीक है ना। बिहार का और स्टार फैक्टर है, ठीक है ना। सो अभी ये कम होगा सर। तो ऐसे में सर बारिश होने की भी आसार है? बारिश 12 तारीख को होगा, थोड़ा ड्रिजल लाइट रेन हो सकता है दिल्ली में, ठीक है। तो जैसे कि दिल्ली को लोगों का कहना है कि ठंड की वजह से उनका शरीर पूरा सुन्न पड़ जा रहा है, तो वहीं गाड़ी चलाने में भी उन्हें कोहरे की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ फ्लाइटें भी अपना उड़ान देरी से भर रही है, तो कई ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया है। मौसम विभाग की माने तो 12 तारीख के बाद ठंड में और बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन कोहरे में कहीं ना कहीं कमी आएगी। अब देखना अहम यह होगा कि क्या 12 तारीख के बाद वाकई ठंड और बढ़ती है या लोगों को चैन की सांस लेने का मौका मिलेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मोजो स्टोरी। मैं हूं अनूप। इट्स ग्रेट टू सी यू हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वर्क। If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.